Hi students, in this video let us look at the topic of long division method to find square roots. कोई भी एक नंबर दिया तो, एक जनरल नंबर दिया तो उसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे. सिर्फ ए जनरल नंबर इज गिवन, वी ऑलरेडी नो द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. अगर आपको एक नंबर दिया तो, एक परफेक्ट स्क्वायर दिया तो यू कैन डू द प्राइम फैक्टराइजेशन एंड find the square root of a number. Now let us look at another method which is more general than prime factorization method. So ye method ko hum bolte hain long division method to find the square roots of any general number. So first hum easy stage questions karenge, iske baad hum thoda sa aur difficult stage questions karenge. So easy stage questions का मतलब है we'll first deal with perfect squares. So to find square roots of perfect squares. Perfect squares का square roots find करेंगे using long division method. And second stage में we'll also find square roots of non-perfect squares. So to find square roots of non-perfect squares as well as decimal form numbers, फर्स्ट अच्छे नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करके देखेंगे, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर्स. नेक्स्ट वील गो टू नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स एज वेल एज डेसिमल फॉर्म नंबर्स. क्लियर है फ्लो? सो नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल, ए लॉन्ग डिवीजन मेथड. सो आप जो डिवीजन करते हैं एग्जैक्टली वो प्रोसेस नहीं है. सो यू नो हाउ टू डिवाइड वन नंबर विथ एन अदर नंबर. द प्रोसेस डजंट लुक एग्जैक्टली द सेम एज द डिविजन मेथड, बट थोड़ा सा सिमिलैरिटी तो होगा, इसलिए इसको भी हम लॉन्ग डिविजन मेथड बोलते हैं. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड स्क्वेयर रूट ऑफ 784 एंड 5329. सो दो नंबर्स है, सो ये दोनों नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना है यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड. इस बार हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करेंगे. सो लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करना है देखिए, प्रोसेस समझिए पहला. सो फर्स्ट यू टेक द नंबर हुज स्क्वायर रूट नीड्स टू बी फाउंड आउट. अब फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है स्टार्ट फ्रॉम द यूनिट्स प्लेस and start pairing two numbers. इसका मतलब है देखिए, लास्ट से दो नंबर्स पेयर किया. ओके, सो यू हैव वन पेयर, इसके बाद सेवन आपको बच गया. सो सेवन का पेयर नहीं है आपके पास, चाहे तो यहां जीरो लिख सकते हैं ना, चाहे तो यहां जीरो लिख के आप पेयरिंग कर सकते. सो यही काम मैं 5329 को भी साइमल्टेनियसली करूंगा. I'll do the same process simultaneously for these two questions. So 5329 में there are four digits. So last से अगर pairing करना शुरू किया तो you get two pairs. अगर आपके पास odd number of digits है तो जो सबसे highest place value वाला जो term है उसका pairing नहीं होगा. अगर even number of terms है तो सबका pairing हो जाएगा. Okay? So now what you do is you draw two columns like this. ठीक है, दो कॉलम्स आप ड्रॉ कर लीजिए. ओके, स्टार्टिंग में वी आर डीलिंग विद नंबर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर्स. मुझे पहले ही पता है कि ये दो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स है. सो इसका स्क्वायर रूट अच्छा नंबर्स आने वाला है, मुझे पहले से ही पता है. सो फर्स्ट स्टेप इज फर्स्ट पेयर ले लीजिए जीरो से. अब अलग अलग स्क्वायर्स आप
देख लीजिए, वन स्क्वायर कितना है, वन, सेवन से छोटा है, टू स्क्वायर इज फोर, सेवन से छोटा है, थ्री स्क्वायर इज नाइन, सेवन से बड़ा होगा। सो ऐसा स्क्वायर लेना है जो सेवन से जस्ट छोटा है, दैट इज टू स्क्वायर। सो टू इंटू टू इज हाउ मच, जीरो फोर। ओके, अब एक से एक माइनस कर लीजिए। सो जीरो सेवन से जीरो फोर माइनस किया तो थ्री आएगा, एंड नेक्स्ट 84 जो है वो आप कैरी और कर लीजिए। सो नॉर्मल डिवीजन में एक एक डिजिट हम कैरी और करते हैं, ये स्क्वायर रूट फाइंड करने वाला जो मेथड में हम दो दो डिजिट्स कैरी और करते हैं, ये क्लियर है। इसके बाद 2 इंटू टू जर फोर, सो यहां जो 2 लिखा है वो यहां भी लिख लीजिए। सो जो भी ऊपर लिखते हैं हम नीचे भी लिखते हैं। इसके बाद एड दीज टू नंबर्स, 2 प्लस 2 इज 4, समझे। सो नेक्स्ट विल स्टार्ट वर्किंग स्टार्टिंग विथ 4। अब क्या देखना है, देखिए इसके बाद 4 के बाद एक डिजिट एनेक्स करना है, एनेक्स का मतलब है एड करना है, एंड यू हैव टू मल्टीप्लाई द इफेक्टिव नंबर विद द सेम नंबर। इसका मतलब मान लीजिए यहां 41 लिखता हूं, 41 इंटू 1 करना पड़ेगा, 42 इंटू 2, 43 इंटू 3, ऐसा चेक करते जाना है। कैसा, 41 इंटू 1, 42 इंटू 2, 43 इंटू 3, ऐसा आप मल्टीप्लाई करके चेक करके रखना है। एंड कहां तक जाना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड ए नंबर विच इज वेरी क्लोज टू 384 एंड लेस देन 384, 384 से ऊपर नहीं जाना है। सो आप ऐसा चेक करना है, 41 इंटू 1 कितना है, 41, बहुत दूर है 384 से, 42 इंटू 2 कितना है, 84, अभी भी बहुत दूर है 384 से, 43 इंटू 3 129, अभी भी बहुत दूर है 384 से। अब ऐसा करके यू हैव टू ट्राई टू गो एज क्लोज एज पॉसिबल टू 384। सो मान लीजिए 48 इंटू 8 ले लीजिए, सो 8 जो 64, 32 प्लस 6 384, देखिए एग्जैक्टली आ गया। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो एट सम स्टेज यू विल गेट एग्जैक्ट नंबर्स। सो 48, यहां जो नंबर लिखे हैं वही नंबर यहां लिखना है, 48 इंटू 8 इज 384। रिमाइंडर एक से एक माइनस किया तो रिमाइंडर जीरो आ गया, इसका मतलब हमारा डिविजन कंप्लीट हो गया। सो जो भी यहां नंबर आएगा दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 784। सो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 784, 28 इज द आंसर। एग्जैक्टली यही प्रोसेस हम इसमें करेंगे। सो फर्स्ट पेयर इज 53, सो कौन सा स्क्वायर तक जा सकते हैं सच दैट द नंबर इज जस्ट लेस देन 53। सो 7 स्क्वायर 49 है, 8 स्क्वायर 64, 53 से बड़ा हो गया। सो 7 इंटू 7 जर 49, से एक से एक माइनस कर लीजिए, 4 इज लेफ्ट आउट, टू डिजिट्स आप नीचे कैरी और कर लीजिए। सो 7 इंटू 7 जो नंबर ऊपर लिखे है एग्जैक्टली वही नंबर नीचे लिखे, वही डिजिट, सो 7 प्लस 7 इज 14। सो यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग विथ 14 एंड यू स्टार्ट एनेक्सिंग अनदर नंबर हियर। सो कैसे, 141 इंटू 1 चेक करना पड़ेगा। सो 140, 14 तो है, सो यहां 1 लिख के इंटू 1, 141 बहुत दूर है, 142 इंटू 2, 142 इंटू 2 इज 284, अभी भी बहुत दूर है, 143 इंटू 3 कितना है, 143 इंटू 3, 921, 429, देखिए एग्जैक्टली 429 आ गया। सो 143 इंटू 3 इज 429, माइनस किया तो रिमाइंडर जीरो आ गया, हेंस स्क्वायर रूट ऑफ 5329 इज हाउ मच, 73, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 784 इज 28 बाय लॉन्ग डिविजन मेथड। सो आई होप दिस मेथड इज क्लियर, और दो एग्जांपल्स करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट और क्या नंबर्स लेंगे, थोड़ा सा बड़ा नंबर्स लेंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर दैट वी आर गोइंग टू लुक एट इज 6609।
So next number is 66049. Iska square root nikalna padega aapko. And what is the other number? So yahan tak karenge hum. Theek hai. 16384. Dono ka karenge. 16384. So let us try to find the square roots of these two numbers. Okay. So first step kya hai? Let us draw a box. And pairing kahan se start karenge? Units digit se start karna padega pairing. So pair ho gaya. Pair ho gaya. 6 is left out. Because there are odd number of digits. One number will be left out. So yahan bhi. 8463 pair ho gaya. One is left out. Okay. स्टार्ट करेंगे वर्क. सो 6, सो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसा चेक करते जाइए. सो 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9. सो 3 स्क्वायर 6 से बढ़ गया. सो 2 स्क्वायर इज 4, माइनस किया तो 2. सो 2 डिजिट्स आर बीइंग कैरीड ओवर. सो ये 2 जो ऊपर लिखा था यहां ऊपर लिखे नीचे भी लिखा. सो 4 इज आवर बेस. इसके बाद 260 को आप एडजस्ट करना है. सो 41 इंटू 1, 42 इंटू 2, 43 इंटू 3 ऐसा आप चेक करते जाइए. सो मोस्टली 45 इंटू 5 कितना है? 5, 225. देखिए 46 इंटू 6 कितना है? क्योंकि 4 ऑलरेडी आपके पास है, इसके बाद एक डिजिट को एनेक्स करना है आपको. सो 46 इंटू 6 इज 324, 276 हो गया. So 45 into 5 is 225, 46 into 6 is 276. So 260 से बड़ा हो गया ना. So हम क्या करते, 45 into 5 sir 225. Okay, माइनस कर लीजिए. बट यहां ऊपर जो नंबर लिखे हैं वो नीचे भी लिख लीजिए. क्लियर? नाउ 535, ओके दैट्स अ रिमाइंडर. 49 आप कैरी ओवर कर लीजिए. यहां क्या करना है, 45 और 5 को ऐड कर लीजिए. सो व्हाट इज द सम ऑफ 45 एंड 5 व्हिच इज 50. हो गया 50. इजी. सो अब 50 इज द बेस. इसके बाद यहां जो नंबर है वो आप गेस करना पड़ेगा. ओके सो 50 1 into 1, ये तो नंबर बहुत बड़ा है, 3500 है. सो मोस्टली ये 50 है. सो आप गेस भी कर सकते हैं डायरेक्टली, डोंट नीड टू चेक ईच एंड एवरी वन. सो 507 इंटू 7, क्योंकि 57 से 35 है ना, 57 से 35 है, 3500 के आसपास रहेगा. 507 इंटू 7 9435. ठीक है, 3549. सो 507 टाइम्स 7 इज 3549. सब्ट्रैक्ट किया तो 0 हो गया. क्लियर है? सो दैट वंस यू गेट रिमाइंडर 0, आपका स्क्वायर रूटिंग करने का प्रोसेस कंप्लीट हो गया. हेंस स्क्वायर रूट ऑफ 66049 इज सिंपली 257. नेक्स्ट मान लीजिए 16384 का स्क्वायर रूट निकालना है. सो 1 है, 1 इंटू 1 जर 1. इजी. सो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 0 हो गया. कैरी ओवर कर लीजिए 63. सो 1 जो ऊपर लिखा है वो नीचे भी लिख लीजिए. सो 1 प्लस 1 इज 2. सो नाउ 2 इज द बेस. सो आप कैसे करना है, 21 इंटू 1, 22 इंटू 2, 23 इंटू 3 ऐसे चेक करना है. So mostly 22 into 2 is 44, 23 into 3 69, बड़ा हो जाएगा. And ऊपर जो लिखा है वही नीचे भी लिख लीजिए. So next 63 minus 44, 19. So 84 आप कैरी ओवर कर लीजिए. So 22 plus 2 is 24. अब यहां आप नंबर गेस करना पड़ेगा.
241 into 1, 242 into 2, 243 into 3, so on. So mostly आपका यहाँ 19 है ना, so आप guess कर सकते हैं. So mostly 248 into 8, check कर लीजिए. 8 8 is a 4, 6, 32, 8, 8 2 is a 16, 1984. So 248 times 8 is 1984. Subtract किया तो 0 आ गया. So once the remainder is 0, your division process is complete. Hence, square root of 16384 is equal to 128. So if you look at, if you take perfect square numbers, उसका division process अगर किया तो square rooting वाला long division process, last में 0 आ जाएगा. You can see that your division is complete. But if you take non-perfect squares, non-perfect squares liya to last mein zero nahi aayega, kyunki wo perfect square nahi hai. So achhe numbers to aana nahi hai, right? For example, dekhe example lenge. So what is the largest four digit perfect square? What is the largest four digit perfect square? मान लीजिए एक question. So आपका logic कैसे use करिएगा? How, what is the logic that we use to solve this question? So, आपको पता है फोर डिजिट नंबर्स 1000 से स्टार्ट होके 9999 तक जाएगा. दीज आर, दिस इज द रेंज ऑफ फोर डिजिट नंबर्स. सो यू वॉन्ट द लार्जेस्ट फोर डिजिट परफेक्ट स्क्वायर. इसका मतलब है 9999 का नजदीक परफेक्ट स्क्वायर क्या है. 1000 से लेकर 9999 तक देखा तो बीच में कुछ नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर आएगा. सो व्हाट इज द परफेक्ट स्क्वायर व्हिच इज क्लोजेस्ट टू 999? अगर 9999 परफेक्ट स्क्वायर है तो वही आंसर होगा, ठीक है. बट शायद 9999 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं 9999 इज इक्वल टू समथिंग लाइक 9 टाइम्स 1111, 9 times 11 times 101. Obviously, जो प्राइम फैक्टर्स है उसका पावर्स इवन नहीं आ रहे. सो हम क्या करेंगे, 999 का नजदीक परफेक्ट स्क्वायर क्या है वो देखेंगे. सो उसके लिए मैं क्या करता हूं, आई ट्राई टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 9999. सो 9999 का स्क्वायर रूट फाइंड करें, ठीक है. सो आप का पास दो ऑप्शन है, आप थोड़ा सा सोचा तो 9999 का स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश कर सकते हैं, या 10000 इसका नेक्स्ट नंबर, इसका नेक्स्ट नंबर जो है 10000 है ना, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए भी कोशिश कर सकते हैं. देखिए, सो 10000 जो है आपको पता है ये तो 100 स्क्वायर है, ये तो सिंपल है ना. 10000 इज सिंपली 100 स्क्वायर. इसका मतलब 9999 का नेक्स्ट नंबर जो 10000 है वो परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज ए परफेक्ट स्क्वायर. इसका मतलब जो 10000 जो 100 स्क्वायर है उसका पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, सिंपली 99 स्क्वायर, राइट. सो 99 स्क्वायर इज द परफेक्ट स्क्वायर जस्ट बिफोर 10000. सो दिस विल बी द लार्जेस्ट फोर डिजिटेड परफेक्ट स्क्वायर. एंड 99 स्क्वायर कैसे निकालना है वो हम शॉर्टकट में देखे हैं, कितना होगा, 9801 होगा, शॉर्टकट अप्लाई कर लीजिए. सो व्हाट इज द लार्जेस्ट फोर डिजिट परफेक्ट स्क्वायर, द आंसर इज 9801 विच इज 99 स्क्वायर. वैसा ही हम व्हाट इज द लार्जेस्ट फाइव डिजिटेड परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं. व्हाट इज द लार्जेस्ट फाइव डिजिटेड परफेक्ट स्क्वायर, देखिए लार्जेस्ट
five digited perfect square. ये कितना है? जो फाइव डिजिटेड नंबर्स है आपको पता है 10,000 से स्टार्ट होके 99999 तक जाएगा. ये 9999 का जस्ट नेक्स्ट नंबर जो है वो सिक्स डिजिटेड नंबर हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा. सो मेरा परफेक्ट स्क्वायर जो है 1 लाख का बहुत नजदीक होना चाहिए, 1 लाख का थोड़ा सा पहला होना चाहिए. 9999 का भी पहला होना चाहिए. 9999 और 1 लाख जो है बहुत आसपास में है. सो दोनों का आगे होगा. सो मैं क्या करना चाह रहा हूं, ये 1 लाख जो है इसका स्क्वायर रूट निकालने का कोशिश करूंगा. सो वंस आई फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसके बाद मैं लॉजिक को आगे बढ़ाऊंगा. देखिए, सो इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, पेयरिंग कर लीजिए लास्ट से, डन डन एंड डन. ओके, सो इफ यू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, सो बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूं. सो यहां 10 से स्टार्ट हो रहे हैं. सो 3 3 0 9 सब्ट्रैक्ट के तो 1, 2 0 आप कैरी और कर लीजिए. ऊपर जो 3 लिखा है नीचे भी लिख लीजिए. सो 3 + 3 = 6. क्लियर? आप कैसे चेक करना है, 61 × 162 × 263 × 3 ऐसा करना है. सो 61 × 1 = 61. सो जो 1 ऊपर लिखे है वही 1 नीचे लिख लीजिए, यहां 62 हो जाएगा. ओके, सो 61 माइनस किया तो कितना होगा, 9 and 3, एंड 0 0 आप कैरी और कर लीजिए. नाउ 621 × 1 622 × 2 623 × 3 ऐसे चेक करना है. Because this is not a perfect square, you are not expecting the exact number. So 626 × 6 करके देखता हूँ कितना है. 6 6 6 36 6 2 12 15 1 3 7 5 6. देखिए बहुत नजदीक आ गया. 627 × 7 कितना है, 9 4 8 1 42 43. So 626 × 6 इससे छोटा है, 627 × 7 इससे बड़ा है. So, क्या लेना है, 626 × 6 = 3 7 5 6. So the remainder is 4 4 1. So 144 is the remainder. Remainder 0 नहीं आया, ध्यान दे दीजिए. इसका मतलब क्या है, ये division जो है और भी आगे जाएगा decimal point के बाद. 316 जो है, this is not the exact स्क्वायर रूट ऑफ 1 लाख. सो 1 लाख का स्क्वायर रूट जो है 316 के बाद भी, यूजली जब रिमाइंडर 0 नहीं आते हैं इसके बाद पॉइंट लेके आगे जाते हैं ना हम डिविजन प्रोसेस में, वैसा ही स्क्वायर रूट वाला प्रोसेस में भी पॉइंट डाल के आगे जा सकते हैं, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में करने वाला है. क्लियर है? सो अभी के लिए द लॉजिक इज, बिकॉज द रिमाइंडर इज नॉट 0, सो ये डिविजन प्रोसेस जो है 316 के आगे जाएगा, 316 पॉइंट समथिंग होगा. सो द स्क्वायर रूट ऑफ 1 लाख इज 316 पॉइंट समथिंग, पॉइंट के बाद और भी जाएगा. दैट मीन्स दिस इज ग्रेटर देन 316 स्क्वायर, सॉरी दिस इंप्लाइज, समझ रहे, 1 लाख जो है is equal to 316 point something ka whole square hoga, which is obviously greater than 316 square. 316 square se thoda sa bada, samajh mein aa raha. And ye 1 lakh is 316 point something whole square is obviously less than 317 square है ना, क्योंकि नंबर 316 और 317 के बीच में है. सो इसका स्क्वायर 316 स्क्वायर और 317 स्क्वायर के बीच में रहेगा. इसका मतलब है, देखिए लॉजिकली 1 लाख जो है 316 स्क्वायर और 317 स्क्वायर के बीच में रहेगा. इसका मतलब आप नंबर लाइन लिया तो, इफ यू टेक द नंबर लाइन,
1 लाख जो है मान लीजिए यहां 316 स्क्वायर इस तरफ होगा, 317 स्क्वायर आगे होगा. सो ये दोनों के बीच में सारा नंबर्स आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स. थ्री वन सिक्स स्क्वायर के बाद परफेक्ट स्क्वायर 317 स्क्वायर ही आएगा ना. सो 316 स्क्वायर और 317 स्क्वायर के बीच में कितना नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स है. अगेन आप अपना प्रॉपर्टीज याद कर सकते हैं, n स्क्वायर एंड n प्लस 1 होल स्क्वायर के बीच में 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होगा. सो 2n का मतलब है 2 × 316 विच इज 632 नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स बीच में. एंड आप पता है 10 पावर 5 के जस्ट बिफोर 99999 है ना. सो इसका मतलब दिस इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर. इसके बाद 317 स्क्वायर जो है वो 6 डिजिट में चला गया. सो व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिटेड परफेक्ट स्क्वायर? द आंसर इज 316 स्क्वायर. दैट इज द आंसर. सो 316 स्क्वायर आप निकाल दीजिए, 316 × 316. So 99856. So what is the largest 5 digited perfect square? The answer is 99856, which is 316 square. So logical reasoning, हर एक step का logical reasoning आपको समझ में आना चाहिए. That is very important if you want to excel in maths. So I hope सारा स्टेप्स एक के बाद एक आपको समझ में आया होगा. अब हम आगे जाएंगे टू फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स एज वेल एज डेसिमल्स. ऑब्वियसली नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट्स जो है वो अच्छा सा नेचुरल नंबर्स नहीं आएगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट्स नेचुरल नंबर्स होगा. नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट जो है वो नॉन नेचुरल नंबर्स होगा, मतलब पॉइंट्स में जाएगा. सो वो कैसे फाइंड करना है हम अब अगला टॉपिक में देखेंगे.